है ये पूरा इंडिया। फ्रेंड्स ये तो पूरा इंडिया है, ईद के दिन भी नहीं छोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम नेक्स्ट शॉट में कर दूंगा अगली सीन में। तो आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है, यहाँ का जो कुवैती डेमोग्राफी है, जो यहाँ का पॉपुलेशन है, उसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं और आज के शेयर करेंगे। और इसमें ये बताना है कि यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा कि कुवैती जो पुलिस है, अथॉरिटी है, जो इलीगल रेसिडेंट्स हैं उनकी धरपकड़ कर रही है, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताता हूँ कितनी पॉपुलेशन है कुवैतीज़ की और एक्सपैट्रियट्स की। तो इस वीडियो के बारे में बताऊँगा। और आजकल कुवैत में इतनी चेकिंग है कि पुलिस ने ईद के दिन भी नहीं छोड़ा, उस दिन भी चेक किया कुछ इलीगल एक्सपैट्रियट्स को पकड़ने के लिए। खैर हमारे इलाके में तो नहीं हुआ, बट ये होता आ रहा है। तो इसके बारे में ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आप जहाँ भी देखोगे एक्सपैट्रियट्स नज़र आएंगे। तो हर जगह सिटी में, सालमिया में, फाइल के अंदर। तो आज हम पहले सिटी जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सपैट्रियट्स दिखाते हैं कि वहाँ कितने हैं और क्या हाल है वहाँ का। तो चले बस लेते हैं 102S और चलते हैं सिटी। तो बस वो रही सामने 102X डबल डेकर, उसमें जाएंगे। दोस्तों तो हम कुवैत सिटी पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स तो ये आ गया हमारा कुवैत सिटी, अब चलते हैं। फ्रेंड्स आप जिधर ही देखोगे आपको इंडियन सी नज़र आएंगे, ज़्यादातर लोग इंडियन ही है इधर। हेलो, ये सामने सुकवती है, यहाँ पे पूरे इंडियंस, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, श्रीलंकन्स, नेपाली सब मिलेंगे इधर। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुवैत में हो या मिडिल ईस्ट में हो, कहीं बाहर हो, ऐसा लगेगा आप इंडिया में ही हो। फ्रेंड्स ये तो पूरा इंडिया है। मैं इस वक्त हूँ, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप स्टिकर, और मैं हूँ कुवैत सिटी में। और ये आपको ये वीडियो में इस दिखाना था कि कुवैत में इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, फिलिपिनोस। ये आपको ये एरिया में लगेगा कि नहीं कि आप मिडिल ईस्ट में हो, कुवैत में हो। तो आप जगह हर जगह देखोगे आपको इंडियंस ही दिखेंगे ज़्यादातर। आपको यहाँ और पार्ट्स में भी लेके जाऊँगा, जहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। ये पूरा इंडिया देखें आप। तो फ्रेंड्स ये है चर्च, कैथोलिक चर्च कुवैत सिटी का। यहाँ पे क्रिसमस के दिन काफ़ी भीड़ होती है, और आज 1 जनवरी है तो भी यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे दो चर्च है, एक अहमदी में है और एक ये कुवैत सिटी में है, और एक सालमिया में भी है। फ्रेंड्स आप जिधर भी देखोगे आपको इंडियन सी नज़र आएंगे, जैसा आप देख सकते हो चारों तरफ। फ्रेंड्स चलते हैं इस सुकवतिया के अंदर, देखते हैं।
सुखवतिया में बहुत सारे गोल्ड शॉप्स हैं, बहुत सारी कपड़ों की दुकान हैं। ये कपड़ों की दुकान, ठंड है तो चाय फ्रीक्वेंटली बिक रही है यहाँ पे। तो ये मैं मार्केट से बाहर आ गया। फ्रेंड्स, ऐसी भीड़ क्वेट सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, फाइल में भी होती है, हवेली एरिया में भी होती है। तो आप, ये जगह मालिया है क्वेट सिटी में, तो यहाँ पे आप सी साइड एक्सप्लोर करो, मार्केट घूमो। सुखवतिया है, सुखवतनिया है, खाने पीने की चीज़ें, हर फास्ट फूड अवेलेबल है यहाँ पे, और क्वेट के हर पार्ट से यहाँ पे बसें आती हैं। ये है बस स्टॉप, तो कभी कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकती यहाँ आने को। और ये हमारा बस स्टॉप, और यहाँ से हम लोग फिर वही लेंगे 102X और फाइल के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फाइल में आ गया हूँ, और मैंने कहा था कि फाइल के बारे में भी अपडेट करूँगा, यहाँ के जो एक्सपैट्रेट्स हैं उनके बारे में भी दिखाऊँगा। तो चले, मैं आपको फ़ाइल की सैर कराता हूँ, और यहाँ जो एक्सपैट्रेट्स हैं और कहाँ मिलते हैं, और किस फाइल के किस जगह पे जहाँ इनकी गैदरिंग होती है, वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप जबकि फाइल में हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देखें आप। ये जो वीडियो था, ये जो आप देख रहे हैं सामने, नेस्टो हाइपर एक नया आउटलेट खुला था, तो उस पर मैं गया था, तो मैंने एक वीडियो शूट किया था। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, कहीं भी कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती मिलती हैं तो वो क्रेज़ी हो जाते हैं बिल्कुल उसके लिए। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मैं बता दूँ। कुवैत में जो पॉपुलेशन है करीब 44.5 लाख है, यानी 4.5 मिलियन करीब यहाँ का पॉपुलेशन है, जिसमें करीब 1.45 मिलियन कुवैती हैं, यानी 14,50,000 करीब,
और बाकी जो है वो है एक्सपैट्रियट्स, इंडियन, इजिप्शियन, पाकिस्तानी, बंगाली, फिलिपिनोज और भी नेशनलिटी के करीब यहाँ 100 कंट्री के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उनमें सबसे ज़्यादा जिसकी जो ये क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, करीब मोर देन 1 मिलियन से ज़्यादा है। उसके बाद है इजिप्शियन है और पाकिस्तानी, बंगाली, फिलिपिनोज हैं। तो ये है यहाँ का डेमोग्राफी। और इंडियंस का जो पॉपुलेशन है वो इसलिए ज़्यादा है मेरे ख्याल से कि मैं यहाँ पे हूँ करीब 16-17 साल से, तो कभी भी इंडियंस का वीज़ा बंद नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ वो जो वर्कर्स है आते हैं, चाहे बड़े पोजीशन के हो या लेबर हो सब। और जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान, यमन, यहाँ के लोगों का जो वर्कर्स हैं वो बैन है, कुवैत में नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि इंडियन कम्युनिटी, इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये है आज का मेरा वीडियो। अब मैंने डेमोग्राफी जो इम्बैलेंस होती है इसके लिए कुवैत अथॉरिटी जो पुलिस है वो धरपकड़ करती है, जो इलीगल है उनको उनके कंट्री उनको डिपोर्ट कर देती है। तो आज का वीडियो बस इसके लिए ही था मेरा। तो चले मैं आपको थोड़ी फाइल की भी सैर करा देता हूँ, यहाँ के एक्सपैट्रियट्स को भी दिखा देता हूँ जैसा कि मैंने कहा। और इसमें कुछ जो मैंने शूट किए कुछ सर्दियों के कुछ शूट हैं, पहले किए थे मैंने जैसे कुवैत सिटी के बारे में, तो उस वक्त सर्दी थी। और अभी तो माई गॉड 50 के करीब अराउंड इसका आजकल का टेम्परेचर है, जून का महीना है। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी है कि मोबाइल भी शट हो गया, ओवर हीट हो गया, तो बंद हो गया मोबाइल। तो फ्रेंड्स ये है फाइल इलाका, आपको मैंने दिखाया। इधर सारे मोस्टली इंडियंस मिलेंगे, एक्सपेटेड्स मिलेंगे इस तरफ। तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद, घूमने के बाद, आपको तो लगेगा ही जैसे आप कुवैत में नहीं हो, इंडिया में हो। तो अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और सजेस्ट करें आपको कैसा लगा ये वीडियो। फ्रेंड्स तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।